ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए फरवरी माह 2021 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। उससे पहले थोड़ी ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सूर्य आपके अभी आपके मकर राशि में संचार कर रहे हैं, 12 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके मेष राशि में ही संचार कर रहे हैं, बुध आपके मकर राशि में संचार कर रहे हैं, बृहस्पति आपके मकर राशि में संचार कर रहे हैं, शुक्र भी आपके मकर राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन शुक्र आपके यहाँ पर 21 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाए। और साथ में शनि आपके मकर राशि में, राहु आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और केतु आपके वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। और इस समय आप मान के चलिएगा कि मकर राशि में आपके चार गृहस्थ हैं, उसमें आपका बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सूर्य की वजह से अस्त हैं। लेकिन 14 तारीख के बाद वहां से बुध भी उदय हो जाएंगे और आपके बृहस्पति भी उदय हो जाएंगे। तो जब तक ये ग्रह थोड़े अस्त हैं तो थोड़ी स्थिति के थोड़ी सामान्य नहीं रहेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद मिड के बाद 14 के बाद स्थिति आपके फेवर में बनेगी। पहले आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दो विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अंत में इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हनुमान जय श्री राम। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। हेल्थ की दृष्टि से पहले बात करते हैं, यहाँ का लॉर्ड मंगल आपके सिक्स हाउस में मेष राशि में अच्छी पोजिशन में, तो हेल्थ की दृष्टि से ठीक रहेगा। अगर पुराने टाइम से कोई रोग से आप ग्रसित हैं और दवाइयाँ भी आपके असर नहीं कर रही हैं तो निश्चित रूप से आप उससे बाहर आ जाएंगे और आपकी हेल्थ आपकी रिकवर होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लेकिन थोड़ी तो उत्तेजना की अवस्था, थोड़ा रक्त संबंधित विकार, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, ये तो थोड़ा क्रिएट हो सकता है। उनके थोड़ा बैक पेन वगैरह, तो ये सब आपको चल, थोड़ा पेट में प्रॉब्लम आ सकती है हल्की फुल्की, लेकिन कोई मेजर तकलीफ नहीं है। और मानसिक संतुलन भी आपका ऑल ओवर ठीक रहेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा उत्तेजना आपके अंदर आ जाएगी, थोड़े क्रोधित हो जाएंगे, तो थोड़ा क्रोध को अपने कंट्रोल रखें, ज़्यादा उत्तेजित मत हो, वरना आपको थोड़ी हानि हो सकती है। ऑल ओवर स्थिति आपके फेवर में ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके सेकेंड हाउस की, तो यहाँ के लॉर्ड आपके बृहस्पति अभी जो 14 फरवरी तक अस्त है थर्ड हाउस में है, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। कोई फैमिली फाइनेंस का पैसे का जमा कोष जो आपका धन है उसमें नुकसान, अचानक से कोई आपका व्यर्थ खर्चा हो सकता है, और साथ में आपके परिवार वालों से कोई मनमुटाव को मतभेद आपके उभर कर आ सकते हैं। तो थोड़ा संयम रखें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, क्रोध से बचें, वरना स्थिति बिगड़ सकती है और परिवार वालों के पीछे कुछ आपका धन का खर्चा भी हो सकता है। तो थोड़ा संयम से काम लें, थोड़ा अकल से काम लें, तो ये समय आपका निकल जाएगा। और तो इसमें तो उसके बाद हम बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की, तो आपको लगेगा कि थोड़ी आपकी निगेटिविटी, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और अनजाना डर, अनजाना भय, तो ये आपको, और थोड़ी हेल्थ के इश्यूज छोटे मोटे, और जो आपकी छोटी मोटी यात्राएं हैं वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे थोड़ी तकलीफ आपको आ सकती है, या थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन 14 के बाद स्थिति फिर ठीक हो जाएगी, तो आपके फेवर में आ जाएगी। उसके बाद आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास आपका जागेगा, और आप अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपने साहस के बल पर आप जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। स्थिति फिर आपके पक्ष में है, तो 14 तारीख के बाद स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, और फिर आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपके मिलने जुलने वाले आपके प्रिय बंधु हैं उनसे भी आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद फोर्थ हाउस की बात करें, तो यहाँ भी यहाँ स्थिति अभी आपके वहाँ के लॉर्ड आपके शनि थर्ड हाउस में है, लेकिन अभी सूर्य के साथ अस्त है। लेकिन सूर्य जब आपके 12 तारीख को आपके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर वहाँ पर स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल बनेगी, और जो शुक्र भी आपके 21 तारीख को तो आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, तो उसके बाद आपके मिड के बाद आपको भूमि मकान वाहन से आप लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट गेन कर सकते हैं। कोई नया घर या कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं, या जो जातक इस फील्ड में तो कार्य करते हैं, कार्यरत हैं, तो उसके बाद
तो 12 फरवरी के बाद स्थिति आपके फेवर में आने वाली है, आपको सफलता मिलेगी, आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और घर में कुछ लग्जरी आइटम भी आपके गा सकते हैं, दुर्ग की बढ़ोतरी हो सकती है, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, स्थिति ठीक है, अच्छी है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस थोड़ा क्या है कि थोड़ा स्ट्रेस, मानसिक उत्तेजना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन की, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और संतान की तरफ से कोई प्रॉब्लम, अचानक से उनको कोई विवाह शादी अगर संबंध आपके बने हुए हैं, भैया कोई उनका रिश्ता हो गया, कोई सगाई होगी तो वो टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है, उनको अचानक से कोई नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है और उनको तो उनका जो कार्य व्यवसाय हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो जातक एजुकेशन के क्षेत्र में है उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि मेहनत ज़्यादा करेंगे, थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, इरिटेशन बढ़ेगा, टेम्पर शॉर्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, एकाग्रता में कमी आएगी, तो थोड़ा जो संयम बरते हैं बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, आगे स्थिति फिर आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद प्रेम संबंध वाले जातकों की बात करें तो वहाँ भी यही स्थिति है, मिड के बाद तो स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी लेकिन मिड तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, आपके मतभेद डिफरेंसेस आपके अंदर आ सकते हैं, तो थोड़ा संयम बरते हैं। उसके बाद फिर मिड फरवरी के बाद 12 के बाद ही आपकी स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद स्थिति आपके फेवर में है। बात कर लेते हैं नौकरी पक्ष वालों के लिए, उनके लिए स्थिति बहुत अनुकूल है, 22 तारीख तक तो स्थिति बहुत अच्छी है, 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक अचानक से कई नौकरी में लगने के आपके योग बनेंगे। बहुत टाइम से अगर आप नौकरी को लेकर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके फेवर में चल रही है तो निश्चित रूप से आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। आप थोड़ा प्रयास करें, थोड़े एफर्ट्स करें, हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा होगी और आप तो मंगल देव की कृपा से आपको नौकरी जरूर मिलेगी, आप नौकरी में उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और जो आपके शत्रु पक्ष हैं वह भी आपके दबे रहेंगे, उनके ऊपर आपका वर्चस्व बना रहेगा और साथ में जो ऋण वगैरह की कोई स्थिति चल रही है तो वह आपको उतरने की पूरी संभावना रहेगी और कोई ना कोई रास्ता आपका ऐसा बनेगा जिससे आपका ऋण तो आपका कर्ज भार आपको उतरता हुआ नजर आएगा। लेकिन 22 तारीख के बाद थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है क्योंकि लास्ट का जो आपका वीक है तो ये थोड़ा संभल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास मत करें, अन्यथा आपके साथ कोई विश्वासघात हो सकता है, आपको शत्रुओं से कोई नुकसान की हानि हो सकती है और कोई ऋण कर्जे वगैरह से बचें और आगामी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अचानक से कोई हेल्थ भी आपकी 22 के बाद डिस्टर्ब हो सकती है, कोई बीमारी आपको तो आपको क्रिएट हो सकती है क्या, जैसे बैक पेन हो गया, आपको पेट की प्रॉब्लम हो गई और साथ में आप रक्त संबंधित, हार्ट संबंधित तो ये प्रॉब्लम थोड़ी, जैसे में दर्द, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती, थोड़ा ध्यान दें, सावधानी बरतें। उसके बाद फिर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, यहाँ स्थिति ऑल ओवर ठीक है, 21 तारीख के बाद स्थिति और आपके फेवर में आ जाएगी क्योंकि आपके अभी वहाँ शुक्र की भी जो सूर्य के साथ जो पावरलेस है लेकिन शुक्र अभी भी आगे अस्त रहेंगे क्योंकि शुक्र आपके यहाँ पर अभी 8 फरवरी से और 18 अप्रैल तक अस्त हो जाएंगे, उनके सूर्य उनको भी अस्त कर देंगे, तो यहाँ थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटास, थोड़े मतभेद और थोड़ा क्या बोलते हैं उसको निराशा, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहना एक दूसरे पार्टनर के प्रति, या थोड़े डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद और थोड़ा इंटरेस्ट में कमी और साथ में विवाह शादी के अगर कोई संबंध बनने जा रहे हैं तो वहाँ थोड़े ब्रेक लग सकते हैं, तो वह डिले हो सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और कोई आप पार्टनरशिप वगैरह में अगर कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो उसको फिलहाल के लिए टाल दें और अगर कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़े पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करें और बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ मत करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आप किसी प्रॉब्लम में आपको फंस सकते हैं, आपको व्यापार में, आपके बिजनेस में आपको हानि हो सकती है। बात करते हैं आपके यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की आपके भाग्य स्थान पर आपकी ऊंच की दृष्टि पड़ रही है, वो आप ये मान के चलिएगा कि 14 फरवरी के बाद आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपको उन्नति का अवसर मिलेगा, आप भगवान की पूजा पाठ, चैरिटी, आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर आएगा और आपकी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, उससे लाभ गेन करेंगे, आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, क्योंकि फिर आपको मिड फरवरी के बाद 14 फरवरी के बाद उन्नति का अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन ये जो अवसर आपको मिलेंगे इनको व्यर्थ मत जाने दें, थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा संघर्ष करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे।
उसके बाद आपके कार्य व्यवसाय की बात करते हैं, तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से 12 तारीख तक स्थिति आपके ठीक है। उसके बाद भी सूर्यदेव बृहस्पति की सीधी सातवीं दृष्टि पड़ेगी, तो ऑल ओवर फरवरी का माह कार्य व्यवसाय के लिहाज से आपके लिए ठीक रहने वाला, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि तो आप कार्य का विस्तार करेंगे, उसमें तरक्की करेंगे, उसमें उन्नति करेंगे, आप मतलब लाभ गेन करेंगे। और लाभ गेन की दृष्टि से भी स्थिति आपके फेवर में है यहाँ भी, लेकिन अचानक से जो आपको कहीं से आपको बहुत लाभ मिल रहा है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, समय समय पर थोड़ी सी रुकावट भी आपको आ सकती है, और जो आपके मित्र हैं, जो आपके अफेयर वगैरह हैं, तो वहाँ भी थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा निराशाजनक स्थिति, ये सब आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा तो आपके लाभ में लाभ गेन जहाँ से आप मतलब लाभ प्राप्त करते हैं वहाँ से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, अचानक से आपका आत्मवधान रुक सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं, आगे स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी। उसके बाद हम 12th हाउस की बात करते हैं, तो 21 तारीख के बाद स्थिति ठीक है, तो यात्रा दी के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू अगर कोई कार्य करते हैं, अपने देश विदेश में ही, अपने देश में कोई नौकरी है या आपका बिजनेस है, एक शहर से दूसरे शहर आना जाना, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का धंधा है, या कोई आप माल सप्लाई करते हैं, और वहाँ से भी आपको फिर स्थिति आपकी 21 तारीख के बाद अच्छी है, शुभ है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, आपका रुका हुआ धन वापस आएगा, तो उसमें आप लाभ गेन करेंगे, और कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा कोई तारीख आपकी चल रही है तो वहाँ से भी तो वह स्थिति भी आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। ऑल ओवर अगर देखें वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, अगर आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है, तो निश्चित रूप से तो आप सक्सेस गेन करेंगे, आप 70-80% तक आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो ये 10-20% आपको इसके इफेक्ट मिलेंगे, इसके प्रभाव मिलेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए आपको, और कराते रहना चाहिए किसी सुयोग्य ज्योतिष से, और हमसे अगर कराना चाहते हैं तो मात्र बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे टेलीफोन पर भी अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण करा सकते हैं आप फोन पर, और हमसे डायरेक्ट मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं तो उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, उससे आपका मार्गदर्शन तो होगा ही, जो छोटे छोटे उपाय हम आपको बताएंगे उनसे आप लाभ गेन करेंगे और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी अशुभ तिथियों के बारे में, और जो वृश्चिक राशि वाले लगन वाले जो जातक हैं उनको एक पीला पुखराज, एक मूंगा और एक मोती, ये 3 स्टोन आपको जरूर धारण करने चाहिए। और कार्य व्यवसाय में अगर कोई तकलीफ दिक्कत आ रही है तो आप एक माणिक भी धारण कर सकते हैं, रूबी, इनका एक लॉकेट बनाइए, तो इसको एक लक्ष्मी लॉकेट बोलते हैं, कि जो आपका मोती मूंगा और जो आपका पुखराज बनता है तो इसको लक्ष्मी नारायण लॉकेट भी बोलते हैं, लक्ष्मी का प्रतीक है। तो आप लाभ करेंगे, तरक्की करेंगे, तो आपका फैमिली फाइनेंस, आपकी संतान पक्ष, आपका भाग्य स्थान, आपका कार्य व्यवसाय, इन सब चीज़ों में तरक्की होगी, तो आप ये स्टोन धारण कर सकते हैं। और कोई रत्न अगर धारण करना है, आप हमारी संस्था से मंगाना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था से भी मंगा सकते हैं, पूजा पाठ अभी मंत्रित करके ही आपको भेजते हैं, तो उससे भी आप लाभ गेन कर सकते हैं। अब आपके अशुभ तिथियों के बारे में बात करते हैं। 12-13 तारीख को आप भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई लेन देन मत करें, कि नया वाहन मत लें, कि नए घर में प्रवेश करें तो प्रवेश मत करें, मया कोई डीलिंग वाहन से मकान से संबंधित आप मत करें 12-13 तारीख को, वरना आपको लाभ की बजाय आगामी नुकसान हो सकता है। तो 22-23 तारीख को 8वां इसलिए कोई चोर दुर्घटना आदि, तो कोई चोर दुर्घटना का कोई भय आपके साथ हो सकता है, अचानक से हॉस्पिटलाइज होते कोई बीमारी, तो गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग करते हुए या किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें, वरना आपको शरीर की हानि हो सकती है, कोई प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं, कोई बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। उसके बाद फिर आपके 3, 4 और 5 तारीख, 5 तारीख को 12:50 तक 12वां चंद्रमा, उसमें ट्रैवलिंग से बचेंगे, ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य करते हैं तो उसको अवॉइड कर दें, कोई पैसे का लेन देन मत करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके उपाय की, तो आपको वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले जातकों को एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और हनुमान चालीसा के अंत में 2 लाइन एक दोहा होता है, पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभु, इन 2 लाइनों को 27 या 108 बार प्रतिदिन करें, देखिए हनुमान जी की पूरी कृपा होगी और बहुत सारे संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो ग्रहों के थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, उनसे आपको सुरक्षा प्रदान होगी, और आप निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, तो आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे।
इसी के साथ मैं वीडियो को ही विराम देता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।